Hello everyone, welcome to the session today. So my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET paper 1, paper 2 commerce and management. So हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट की कि कुछ हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो करंट टॉपिक्स हैं उन पे क्वेश्चन बनाए जाएं, ताकि आप जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में वो क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकें. सो आज मैंने उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हैं, और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि क्योंकि ये करंट का टॉपिक है और पास्ट ईयर्स में हायर एजुकेशन के टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा करंट टॉपिक से करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, जैसे कि रैंकिंग्स हो गई इंस्टीट्यूट्स की. सो इन सारे टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए हुए आई लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहें. अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हायर एजुकेशन की फील्ड में. सो लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्कीम्स, जैसे कि मैंने कहा कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, द गवर्नमेंट हैज प्लान टू इंस्टॉल डिजिटल एंड स्मार्ट बोर्ड्स टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स. सो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्कीम के बारे में जिसने डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स इंस्टॉलेशन की बात करी है, और प्राइवेट स्कूल्स की नहीं, रैदर गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात करी है. सो इस स्कीम का नाम बताना है हमें, गवर्नमेंट स्कीम का एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. इज इट स्वयं, इज इट ज्ञान, इज इट ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, और इज इट डी स्मार्ट क्लासरूम प्रोग्राम. अब अगर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है. बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ये मेथोडोलॉजी अपनाने वाला हूँ कि मैं साथ ही साथ आपको ना कि सिर्फ आंसर बताऊँगा इसका, बल्कि सारी की सारी स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस करता चलूँगा, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन जो इन स्कीम्स पर आएंगे उसकी भी क्लैरिटी होगी, और अगर फ्यूचर में इन स्कीम्स पर क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में आते हैं तो भी आप उन्हें बहुत आसानी से कर पाएंगे. सो पहले स्वयं स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं. सो स्वयं एक मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की स्कीम लॉन्च करी गई है, जिसके अंदर उनका एम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन कोर्सेज उनको ले सकें, और ताकि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो बहुत दूर बैठे हुए हैं और उनको एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इस चीज़ को भी हटाने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं और जो भी सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं. हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात भी करी थी कि इसके तीन कार्डिनल प्रिंसिपल भी हैं, दैट इज़ एक्सेस टू एजुकेशन, इक्विटी दैट इज सबको एजुकेशन मिले, एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन. सो ये तीनों कार्डिनल प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए ये स्वयं नाम की इनिशिएटिव या फिर स्कीम आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने इनिशिएट करी थी. ज्ञान के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स. इसका एम ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन प्रोफेसर जो रिकग्नाइज्ड हैं उनको लेके आएँ और उनका कोलैबोरेशन इंडियन टॉप इंस्टीट्यूट से करवाएं, दैट इज़ IITs एंड IIMs, ताकि हम जो उनकी एक्सपीरियंस है, उनकी जो नॉलेज है, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट कर सकें, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एज वेल एज बोथ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. सो ये ज्ञान का ऑब्जेक्टिव था. अगर मैं ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के बारे में बात करूँ तो ये वो स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है स्मार्ट मोड्स लगाने का गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि जो आप टीचिंग एड्स अभी तक मैनुअली प्रोवाइड कर रहे हैं या आप ब्लैक बोर्ड मेथड से प्रोवाइड कर रहे हैं, अब अगर आप उसे डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो इंटरैक्टिव भी होगा और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स की. तो ये वो इनिशिएटिव था. जो स्मार्ट क्लासरूम प्रोग्राम टर्म यूज़ किया गया है, ये दो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है डिजिटल स्मार्ट बोर्ड से, बट ये टर्म सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, ऐसी कोई प्रोग्राम या स्कीम अवेलेबल नहीं है. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड. सो आपने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हमने तीन स्कीम्स के बारे में पढ़ लिया है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्कीम्स एम टू प्रोवाइड इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज टू द जनरल फ्रेश ग्रेजुएट्स नॉन टेक्निकल. सो यहाँ पे आपसे अगेन एक स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है जो इंडस्ट्री लेवल अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी फ्रेश ग्रेजुएट्स को, बट नॉन टेक्निकल. सो हम यहाँ पे टेक्निकल बैकग्राउंड दैट इज इंजीनियरिंग वगैरह स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, रादर हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. आइए चलते हैं ऑप्शंस को देखते हैं.
एक कौशल भारत कुशल भारत, इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने पुरानी वीडियो में भी बात करी थी कि ये एक स्किल इंडिया से रिलेटेड प्रोग्राम है जहां पे गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स इम्पार्ट कर पाए यूथ को, ताकि वो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स और जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको बूस्ट भी कर पाएगी और साथ साथ हम बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स भी डेवलप कर पाएंगे। सो कौशल भारत और कुशल भारत का ये एम था स्किल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट स्कीम के अगर बारे में बात करें तो इट इज़ श्रेयस, विच इज़ नोन एज स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। सो इसको एक बार फुल फॉर्म भी देख लेते हैं इसका, आप फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये इस पूरे प्रोग्राम का नाम है। आई एम श्योर कि इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए, अप्रेंटिसशिप्स स्किल्स, तो ये प्रोग्राम का नाम है, डेट इज स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप स्किल्स। इसका एम ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोलैबोरेशन किया जा सके इंडस्ट्री से, ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और साथ ही साथ ये जो आज इंटर्नशिप आप करेंगे या अप्रेंटिसशिप इंडस्ट्री में करेंगे, ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी स्किल्स को बढ़ाने में। सो ये एम था इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का और ये हमारा आंसर है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सो सी है स्किल इंडिया प्रोग्राम, अगेन स्किल इंडिया प्रोग्राम इज एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ योर स्किल, सो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया था। फोर्थ ज्ञानवाणी, ये आपको अगेन टर्म कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ऐसी कोई स्कीम नहीं है, बट रैदर ये एक एजुकेशनल चैनल है इग्नू का, डेट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसपे आप एक रेडियो प्रोग्राम है, रेडियो चैनल है जिसपे आप एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरीज एंड डाउट्स पूछ सकते हैं और काफ़ी अदर एजुकेशनल मटीरियल के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। सो क्लियरली मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि जो क्लियर कट जो इनिशिएटिव है उसका नाम है श्रेयस, जिसमें आपको एम किया गया था अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द बिलो मेंशन स्कीम्स एम्ड एट एक्टिंग एज अ नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर। सो यहाँ पे बेसिक एम ये था इस स्कीम का कि नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए टीचर्स का, जिसमें वो प्रॉपरली असेसमेंट्स बना सकें अपनी, जैसे कि आजकल सारा का सारा काम ऑनलाइन हो गया है, तो अगर वो स्टूडेंट्स के असेसमेंट बनाना चाहते हैं, अगर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहती हैं या फिर कुछ टेस्ट बनाना चाहते हैं, इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, टीचर्स बनाना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन डिजिटली इस चीज़ को कर सकें। सो इससे दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो हम टीचर्स को भी एक्वेंट कर पाएंगे डिजिटल इंडिया की तरफ, और दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा टेक सेवी हो गए हैं और इंक्लाइंड हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, उनका भी हम इंट्रेंस इन्हांस कर पाएंगे क्योंकि अब सारा का सारा काम डिजिटली अवेलेबल है। सो ये स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कौन सी स्कीम थी। तो श्रेयस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, जो कि आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड था, उसके बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे, अभी पुराने वाले क्वेश्चन में ही बात करिए इसके बारे में। नेक्स्ट है नैट, दैट इज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, अगेन ये एक इंस्टीट्यूशन है आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th एंड 12th के और जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उसकी एक डिपॉजिटरी है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं इंस्टीट्यूट्स को एज वेल एज स्टूडेंट्स को, इससे जो टाइम वेस्ट होता था डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में, जिसमें डॉक्यूमेंट्स खो भी जाते थे, इन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। सो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में जाके अपलोड कर देना है, और जब भी आप किसी हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं तो डायरेक्टली वो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पर जाके आपके डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है दीक्षा, सो ये वो स्कीम थी जहाँ पे एम था टीचर्स को एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का, और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि एक जो सोशल कम्युनिटी स्टैब्लिश होती है टीचर्स की, जहाँ पे टीचर्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, अगर कुछ एक दूसरे से सपोर्ट चाहिए रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल एंड ऑल, ये भी कर सकते हैं। सो दीक्षा वॉज द इनिशिएटिव टेकन बाई गवर्नमेंट, सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज दीक्षा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the below mentioned initiatives was aimed at connecting the school students with the scientist? So ये बहुत देखना ज़रूरी है कि कौन सी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी जिसके अंदर वो कनेक्ट करना चाह रही थी स्कूल स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट से, एज अ फॉर्म ऑफ स्टूडेंट साइंटिस्ट प्रोग्राम टू इन्हांस देयर
एक्सपोजर टू रिसर्च लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे एम क्या था इस ऑब्जेक्टिव का, इनिशिएटिव का, कि आप स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल के उनको सिर्फ बुकवॉर्म्स ना बना के, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना देके, बल्कि रिसर्च लेबोरेटरीज की तरफ इंक्लाइन कर सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव था। देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स ऑप्शन में दी हुई है। श्रेयस, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम था इंडस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट शोध गंगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शोध गंगा एक डिपॉजिटरी सिस्टम है जहाँ पे आपको एमफिल एज वेल एज पीएचडी से रिलेटेड जो भी आज तक की थीसेज हैं, जो भी थीसेज अवेलेबल हुई हैं, जिन्होंने भी अपनी पीएचडी करी है, वो यहाँ पे अपनी थीसेज को डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं अपलोड कर सकते हैं। और ये इसलिए किया गया था ताकि जो भी आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको अगर कभी किसी की थीसेज देखनी है या फिर वो गाइडेंस लेना चाहते हैं इन थीसेज को देखकर अपनी अपनी पीएचडी परस्यू करने के लिए, तो वो ये भी कर सकते हैं। सो ये ऑब्जेक्टिव था इसका। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा का, थर्ड ऑप्शन का, दैट इज इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे एम ये था कि जो भी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं साइंस की फील्ड में या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, वहाँ पे एम ये था कि ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है या जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये आइडेंटिफाई करेगी कि क्या चैलेंजेस एंड इश्यूज आ रहे हैं एंड ये कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन को केटर करने में। तो जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आजकल बन रहे हैं, वेदर इट बी IITs या फिर जो भी नए नए इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लिनेशन जो है वो इनोवेशन पे है। सो इसीलिए बट इनोवेशन करने में ये इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, चाहे वो लैक ऑफ स्किल्स हो या फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प हो। सो ये जो इम्प्रिंट नाम की स्कीम आई थी, ये इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इनको मिटिगेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो सके। नेक्स्ट इवेंट के बारे में बात करते हैं, जिज्ञासा। अब इस के नाम से ही पता चल रहा है कि जिज्ञासा का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। सो यहाँ पे जो स्कूल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च में इंक्लाइंड हैं, उनको उनके लिए प्रोग्राम आया था कि आप उनको कनेक्ट कर सके साइंटिस्ट से ताकि वो CSIR लेबोरेटरीज भी विजिट कर पाए। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि जब वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने सामने देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से रिसर्च हो रही है, तो उनकी इंक्लिनेशन रिसर्च की तरफ और बढ़ जाती है। और साथ ही साथ ये भी कोशिश करी गई थी कि उनको मिनी साइंस प्रोजेक्ट्स, अगर उनका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है तो उनको कुछ मिनी साइंस प्रोजेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं। सो ये बेसिक एम था जिज्ञासा इनिशिएटिव का, जो कि बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ताकि हम स्कूल लेवल से ही स्टूडेंट्स को इनोवेशन और रिसर्च की तरफ इंक्लाइन कर सकें। सो यहाँ जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिज्ञासा, दैट इज ऑप्शन डी। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द बिलो मेंशन प्रोग्राम्स एम्स टू प्रमोट इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड बेस्ड रिसर्च इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू कीप अप द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन द ग्लोबल मार्केट। सो यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड बेस्ड रिसर्च है, मतलब जो भी इंडस्ट्री की आजकल रिक्वायरमेंट है, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री, या आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, या आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, जो भी उनके चैलेंजेस आजकल आ रहे हैं और उसके बेसिस पे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब आप चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इनोवेशन करते हैं या उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो वो एक सॉल्यूशन फाइंडिंग अप्रोच होता है कि जो प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर आउटकम निकल के आता है और वो ज़्यादा यूजफुल भी होता है। इसलिए ये इनिशिएटिव इसकी तरफ डायरेक्टेड था। तो यहाँ पे हमें स्कीम का नाम बताना है, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। इज इट उच्चतर आविष्कार अभियान, इज इट BE पाठशाला, इज इट C राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और इज इट D बोथ ANC। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे या आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नाम खुद ही इंडिकेट कर रहा है उच्चतर आविष्कार अभियान। आविष्कार का मतलब है रिसर्च करना या कुछ नया लेके आना। सो अगर आपको नहीं भी आंसर पता है तो आप नाम के बेस पे गेस कर सकते हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट दैट A इज द आंसर। सो उच्चतर आविष्कार अभियान के अंदर एम ये था कि जो जो IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, ये आइडेंटिफाई करें कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इनको किस तरीके से सॉल्व किया सकता है यूजिंग इनोवेटिव टेक्निक्स या फिर चीज़ों को डेवलप करके। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार समझ लेते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा है, तो ये बेसिकली क्लास 9th एंड 10th में इन्रोलमेंट स्टूडेंट्स का बढ़ाने के लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
मिडिल लेवल एजुकेशन या आप कह सकते हैं हायर लेवल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्रोलमेंट कराएं, क्योंकि देखा गया है कि क्लास 8 के बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज मीनियल जॉब्स में लग जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव किया गया था, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे थे ताकि हम उनका इन्रोलमेंट हायर एजुकेशन के अंदर बढ़ा सकें। सो ये एम था इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का। ई पाठशाला की अगर मैं बात करूँ तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ MHRD प्लस NCERT का, जिसके अंदर उनका एम ये है कि ई पाठशाला के जरिए वो ई बुक्स प्रोवाइड कर सकें। सो कई बार आप देखते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हार्ड कॉपीज बुक्स की, क्योंकि बुक्स पब्लिशर्स की बहुत ज़्यादा कॉस्टली आने लगी है। इसलिए ई पाठशाला के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा ई बुक्स स्टूडेंट्स को बोथ अकेडमिक एज वेल एज अदर टॉपिक्स रिलेटेड ई बुक्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे थे। सो दीज वर सम ऑफ द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि आज जो हमने ये 5 क्वेश्चन किए हैं इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एटलीस्ट 19-20 स्कीम्स के बारे में पढ़ा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके UGC नेट एग्जाम में। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हायर एजुकेशन टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंट से आ रहे हैं। सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेरीज एंड कंसर्न हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं और हम उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम रेगुलर वीडियो PDFs एज वेल एज क्विजेस कराते रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग आर वीडियोज, कीप स्टडिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।